हाँ रेडी चलो भैया। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों का, और बगल में गोपियां सारी लोग बैठे हुए हैं और आप बीच में कृष्णा बन के बैठे हुए हैं। क्या है ये, किस फिल्म का शूटिंग है, थोड़ा बताएंगे जरा? देखिए इसमें सब लोग गोपियां नहीं है, कुछ गोप भी हैं। देखिए स्कोप है, हमारे सिनेमा स्कोप उधर बैठे हैं और इधर हमारी माता श्री बैठी हैं, जो बिना पांडे जी, ये महिमा गुप्ता जी हैं, महिमा सिंह जी हैं, और हमारी ये मेघाश्री जी हैं, ये अरुणा गिरी हैं, ये तुलसी राजपूत हैं, हमारे विजय भैया है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे पराग पाटिल जी जो इस फिल्म को के गार्जियन हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्माता हैं, निर्माता ही होता है ना, निर्देशक आप हैं। तो हम तो काम पे ही फोकस करते हैं ना, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है। हमको तो सिनेमा अच्छा बनने से मतलब होता है, और कोशिश है हमारी जो हम अच्छा काम करें, और सारे लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन इस लोकेशन का है, क्योंकि यहाँ जो लोकेशन हम कर रहे हैं ये घर लगता है जो अपना अपन सा है, और डोली सजा के रखना में भी हम लोगों ने इस गांव में शूट किया था, तो ये गांव भी बड़ा प्यारा है जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता है। बोल रहा था बोल फिल्म का नाम है, और बगल में तीन तीन हीरोइनियाँ एक्ट्रेसेस हैं, और बगल में जो हमारे जो निर्माता साहब हैं ये पहले ब्रोकर हुआ करते थे, लेकिन ये प्रोड्यूसर कैसे बन गए? इस तरीके से जब एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई कदम उठाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक भक्त भगवान कैसे बन जाता है? जिंदगी में आप अच्छा करिए, आपकी की हुई, मैं दूध बेचता था, मैं लिट्टी बेचता था, तो ये तो उन्नति है ना, ये तो लोगों को समझदारी की फेरा है, जो लोग आपको किस हिसाब से लेते थे। मैं तो दूध बेचने वाला आदमी को तो फिर हीरो नहीं बनना चाहिए, एक लिट्टी बेचने वाले आदमी को हीरो नहीं बनना चाहिए, मैं तो यहाँ तक लोगों के घर में नौकर तक रहा हूँ तो मुझे हीरो नहीं बनना चाहिए, मुझे सिनेमा का एक पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये तो आपकी सोच बताती है कि आप किस विधा में सोचते हैं, और जहाँ तक ये समझ लीजिए कि विजय भैया मेरे शुभचिंतक, और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हुए, चाहे वो डायरेक्टर हुए चाहे प्रोड्यूसर हुए, जितने भी कलाकार हैं, वो सबके लिए सोचे हैं। सिनेमाओं को कहीं ना कहीं रखने का तरीका जो होता है इनका एक अलग होता है कि सिनेमा में क्या है कैसे है, तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट ज्ञान नहीं हो सकती। मार्केटिंग किसी को सामान बेचना कितना टॉप जॉब होता है ये कोई किसान नहीं बता सकता है। बेचने वाला किसान के पास उसकी दाम नहीं होती है, किसान तो मेहनत करता है लेकिन दाम उसका वो बेचने वाला आदमी लगाता है। तो कहीं ना कहीं विजय भैया ने अपने जीवन में बहुत सारे सिनेमा का हिस्सा लोग हुए और लोगों को बिजनेस करके इन्होंने दिया है, और आज उस लायक ये हैं जो एक नहीं, एक बोल राधा ही बोल नहीं, ये हज़ारों सिनेमा का निर्माण कर सकते हैं, और इनके अंदर क्षमता है, सिनेमा को समझते हैं। अब लोग इसको किस वे में लेते हैं ये मुझे नहीं जानता, और जो फालतू लोग हैं ना वही लोग इधर से उधर बातें करते हैं कि ये ब्रोकर थे, ये थे, वो थे। उसकी काबिलियत को पहचानिए, कोई दुनिया में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर पैदा होकर कोई नहीं आता है, और कोई हीरो पैदा होकर नहीं आता है, कोई डायरेक्टर पैदा होकर नहीं आता है। आपके पास अनुभव है तो आप दुनिया में अपनी चीज़ों को शेयर करिए, आप दुनिया को दिखाइए, दुनिया आपको प्यार करेगी। सवाल अभी भी उठ रहा है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा लगाया गया, मीडिया में ऐसे आवाज़ उठ रही है इंडस्ट्री में कि खेसारी जी का ही पैसा लगाया गया है, बल्कि नाम दे दिया गया है विजय यादव का, ये क्या वाकई में? तो मुझे लगता है कि सब हीरो को विजय यादव को मदद कर देना चाहिए। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करने हैं, तो सब हीरो को मदद करना चाहिए। जो भाई नीचे स्तर पे काम करें उनको बड़ा बनाने का काम, अगर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं तो ये अच्छी बातें हैं, बुरी नहीं। लोग मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कम से कम 15 हीरो होंगे जी। बिल्कुल हाँ, तो 15 हीरो लोगों को भी विजय भैया का मदद करना चाहिए, क्योंकि 15 हीरो पे इन्होंने मदद किया था, सबका करते हैं, और मुझे लगता है कि आजीवन करते आएंगे। तो हर टेक्नीशियन को बड़ा करने का काम हीरो करता है। अगर लोगों को लगता है कि मेरा पैसा है, तो मेरा पैसा है ही नहीं भाई, मेरा पैसा मेरे पास है रहता ही नहीं है, ये जनता का पैसा है और ये जनता के मनोरंजन के लिए लग रहा है, चाहे वो कोई भी लगाए और किसी के माध्यम से भी लगे, ये मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ, और जो पैसा हमें पहले लेना चाहिए वो बाद में ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे सिनेमा बन जाएगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। और ये तो खुशी की बात है, जैसे
जो एक छोटे टेक्नीशियन हुआ करते थे, आज वो हमारे बगल में बैठ कर एक प्रोड्यूसर के हैसियत से बैठ रहे हैं। तो इसमें दुख की बात नहीं होनी चाहिए, हर आदमी का मदद करिए। मैं मदद ही कर रहा हूँ अपने भाई का, और एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा ये मुझे बना रहे हैं, मैं इनको बना रहा हूँ। तो इंडस्ट्री जो है एक दूसरे की पूरक है। आज हमारे भाषा की मेघा नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे भाषा के लिए इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन। हमारे भाषा के ये हमारी शिवान से हैं गिरी जी, महिमा यूपी से हैं, ये पटना से हैं, ये गोरखपुर से हैं, यहाँ कोई एक जिला का नहीं है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के परिवार की तरह एक दूसरे को लेके चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके अंदर विचारधारा है तो हर जगह आपके पास परिवार है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो। अगर आप नहीं अच्छा सोचते हैं तो आपके घर में भी आपकी अहमियत नहीं होगी और आपके परिवार भी आपके लिए सक्रिय नहीं होगा। बोल राधा बोल में जिस तरीके से हिंदी जो फिल्म थी उसमें ऋषि कपूर का डबल सेट दिखाया गया था, क्या इसमें भी खेसारी जी आप डबल सेट में दिखने वाले हैं? नहीं नहीं, देखिए बोल राधा बोल नाम है लेकिन हमारी डिफरेंट कहानी है कि जिस आदमी को हम चाहते नहीं थे आज उसी के लिए हम कुछ कर जाते हैं। वो एक मोहब्बत का प्रकाष्ठा है बोल राधा बोल, और जब पर्दे पे आएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है। भैया आप थोड़े से सब लेकर, सबसे पहले तो फर्स्ट दिन पोस्टर का पूजा किया जाता है, उसके बाद सेकंड दिन उसी पोस्टर को दूध से नहलाया जाता है, ग्रैंड ओपनिंग मिलती है, आस्की सुपर डुपर हिट चल रही है, इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? ये सवाल अगर इंडस्ट्री से पूछिएगा तो लोगों को लगेगा जब भाई दूध खेसरिए के भैंस के था, सवेरे सवेरे दो बाल्टी भेज दिया था बिना सिनेमा हॉल पर, ये ना तह के चढ़ा दिया सब बाबू। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुआ है, दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं उनके प्यार के लिए ही जीता हूँ। और इंडस्ट्री जब किसी की चीज़ें बड़ी होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने माध्यम से लोगों तक बताऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से हॉल बंद हुए थे और खुले, तो जब भी नोटबंदी था उसमें मेरा ही सिनेमा लोगों को प्यार मिला, नोटबंदी कोरोना के बाद भी रिलीज मेरी सिनेमा हुई उसको भी लोगों ने प्यार दिया। तो जब भी आपदा आती है तो मेरा सिनेमा रिलीज होता है और लोगों का वो शाही प्यार मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा अकेला है और पूरी भोजपुरी समाज का एक ऐसा बेटा है जो जनता के भरोसे चलता है। अपने काम के बदौलत तो हर आदमी अब एक दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ तो 15 सेकंड की वीडियो से लड़कियाँ स्टार हो जाती हैं, लड़के स्टार हो जाते हैं, लेकिन 2.5 घंटा किसी का मनोरंजन कराना थोड़ा टॉप जॉब होता है और उसमें भी लोग हमें प्यार देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि 15 सेकंड का वीडियो मनोरंजन लोगों को नहीं देता है, वो देता है, वो भी बच्चे मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत के बदौलत यहाँ तक अपनी पहचान बना रहे हैं। तो चाहे वो जितना भी हो, मनोरंजन तो मनोरंजन होता है, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने के लिए, चाहे वो 5 मिनट का मेरा एल्बम वीडियो हो या 2.5 घंटे की मूवी। 2022 की जो शुरुआत हुई है सबसे ग्रैंड ओपनिंग के साथ हुई आज की, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री का कोई भी रिस्पांस सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको विश किया गया कि हाँ भाई अच्छी ओपनिंग मिली है कोरोना के बाद भी, तो क्या इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई सफल फिल्म के को भी जस्टिफाई लोग नहीं करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, उनके दिमाग में भोजपुरी समाज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए वहाँ आसकी बड़ी नहीं हुई है, वहाँ खेसारी बड़ा नहीं हुआ है, वहाँ पराग पाटिल, प्रदीप के शर्मा, चाहे उस सिनेमा से जितने भी लोग जुड़े हैं, अमरपाली दुबे हो गई, श्रुति जी हो गई, चाहे वो बीजेपी हो जाए, चाहे वो कंपनी के मालिक हो गए, चाहे राइटर हो गए, जो भी, वहाँ आसकी ना बड़ी है ना ही उसके किरदार बड़े हैं, वहाँ हमारा भोजपुरी समाज बड़ा हो रहा है। ये अगर सबको समझ में आ जाती तो सब लोग प्रतिक्रिया देते, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि नहीं ये मूवी भोजपुरी की नहीं खेसारी की है, तो उसके वजह से लोग नहीं देते हैं। ठीक है, वो आज भी नहीं देते हैं, कल भी नहीं देते थे। मैं तो जब से शुरुआत, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की जब से शुरुआत 2011 से हुई और आज तक मैं इंडस्ट्री से कोई अपेक्षा नहीं रखा। हाँ, इंडस्ट्री में काम किया ज़रूर, बट मेरे लिए मेरा सब कुछ अगर देखा जाए तो मेरी जनता ही है जो मुझे हमेशा संभाल के लेके चलती है। मेघा जी आपका सर सवाल रहेगा, आपके साथ तीसरी फिल्म क्या कहना चाहेंगे, बगल में हैंडसम हीरो बैठे हुए हैं, पहली बार इंटरव्यू सामने, कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अगेन मुझे सर के साथ काम करने का मुझे एक मौका मिला, सो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड बहुत मुझे खुशी और हैप्पी हो रहा है बिकॉज सर के साथ मैं बहुत हैप्पीली, बहुत कम्फर्टेबली मैं लाइक काम करती हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी।
किस तरीके से देखते हैं खेसारी लाल यादव के साथ आपकी जोड़ी? लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जब फर्स्ट इंटरव्यू मैंने डाला था तो काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया बहुत, बहुत कि अगेन इंटरव्यू होना चाहिए, अगेन इंटरव्यू होना चाहिए। तो किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस हुए हैं लाल यादव के साथ? ये आदमी झूठ बोल रहे हैं ना भी, हम कभी साथ आए ही नहीं। इंटरव्यू अकेले दिया था जिन्होंने और अकेले दिया था। एक्चुअली मेगा के अंदर एक चीज है मैंने देखी है, मैं इनके अंदर रानी चटर्जी जैसा आग देखा हूँ, इनके अंदर अमरपाली दुबे जैसी एक्टर देखा हूँ, इनके अंदर अक्षरा जी जैसा डांस देखा हूँ, इनके अंदर मोनालिसा जैसा एक बॉडी फिगर जो होता है, एक अपने आप को प्रजेंट। मैंने मुझे लगता है कि भोजपुरी की सारी हीरोइनों का ये मिक्सर है और हमारी भाषा के ना होके भी हमारे भाषा को प्रेजेंट करने में ये 10 बार भी पूछती है कि इसको कैसे किया जाए। अगर इनको कुछ बताए एंड टू सेट अगर हम बताते हैं तो इन्होंने कभी अपने उसको दिल पे नहीं लिया, उसको जुनून में लेकर और इन्होंने उस परफॉर्म को किया। तो इसलिए मेरी पहली पसंद है मेघा। और अदर भाषा के लोग आकर और हमें सम्मान अगर देते हैं तो खुशी होती है कि हमारी भाषा में बहुत स्कोप है और अदर भाषा के लोग भी हमारे भाषा से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है, हमारी भाषा की संख्या अब ये साउथ की नहीं रही, अब ये भोजपुरी की हो गई है। तो हमने एक और भोजपुरी में एक इंसान को बढ़ाया, अब हम 12 करोड़ नहीं 12 करोड़ 1 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी रहती है कि हम हर भाषा के लोगों को अपने भाषा के लिए काम करें और उनको भी बोलें कि आप भाषा के लिए करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, संगीत का कोई जात नहीं होता, संगीत का कोई भाषा नहीं होता। हाँ इंटरटेन होता है। आप इंटरटेन करिए चाहे आप जिस भाषा में हो चाहे जिस जाति से हो, क्योंकि हम किसी ना किसी जात में पैदा तो होते ही हैं लेकिन हम अपने परिवार के भी नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हम संगीत लाइन के लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए हर भाषा सक्रिय है, उनके हर भाषा के लोग सक्रिय हैं, उनके लिए हर जाति के लोग सक्रिय हैं। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि हमारा इंटरटेन ही हमारा जात है, हमारा मनोरंजन ही हमारी धर्म है, हम उसी पे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। महिमा जी झगड़ा कराने के बाद बगल में ही खेसारी भी एक साथ फर्स्ट फिल्म करने वाले, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट फिल्म में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खेसारी जी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहता है। और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। फर्स्ट मूवी है इसमें मेरा, सेकेंड लीड है, मीरा का करेक्टर है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गिरी जी क्या गिराएंगे आप? सवाल पूछेंगे कैसे बोलो? खेसारी जी के साथ ये खेसारी सर के साथ मेरी पहली फिल्म है और खुश तो मैं बहुत थी कि हाँ सर के साथ फिल्म करने का मौका मिल रहा है, पर डर भी उतना ही था कि सुपरस्टार हैं और मैं पहली बार इनके साथ काम कर रही हूँ। तो पर अभी हमारा एक सीन हुआ छोटा सा, तो इन्होंने इतना कंफर्ट फील करवाया ना कि मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ या फिर हमारे ये पहला सीन हो रहा है। तो बस सुपरस्टार ही हैं ये, एक बड़ा आदमी वही होता है जो सामने वाले को छोटा फील ना करवाए। सुपरस्टार होता तब तक आपके सर में चोट लग गया होता वहाँ। देखिए हम सर ने कहा कि मैं अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, अगर कोई अच्छा को एक्टर या डायरेक्टर हो तो ओनली दे कैन फॉलो आउट समथिंग। सो अगर मैं यहाँ अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ देन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड को एक्टर, क्योंकि वो लोग मुझसे निकाल रहे हैं। सो सब भी उनको ही जानता है, मेरा कुछ नहीं है। जिस नदी में पानी होती है वहीं से निकाला जा सकता है। आपके अंदर वो काबिलियत है इसलिए हम निकाल पा रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा नहीं कि लोगों के साथ काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज कि उनको लगता है कि मुझे क्यों बता रहा है, क्यों सिखा रहा है, वो ईगो पे ले लेते हैं और वो परफॉर्म को परफॉर्म समझते ही नहीं। उनको लगता है कि यार मेरे ईगो को कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सीखिए, एक दूसरे को कॉपरेट करके ही इंसान जीवन में चलता है और एक दूसरे को कॉपरेट करके जब एक परिवार बनता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा भी एक परिवार की तरह ही है कि हम सब करेक्टर अलग से तो हैं ज़रूर बट हम एक दूसरे के परिवार समझ के एक दूसरे के रिलेशन में हैं।
आज हमारी आप बीवी की तरह है, ये हमारी बीवी की तरह है, ये बीवी की तरह, ये बहन के रोल में है, ये माँ के रोल में है, तो हमारा पूरा परिवार कंप्लीट है। और जब एक परिवार एक दूसरे को ही नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में भी आगे की कोई स्कोप होगी। इसीलिए इंसान को परिवार की तरह सिनेमा को भी बना के चलना चाहिए। जैसे आज पिता के रूप में है, ये पिता के रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे गार्जियन स्वरूप है और इनके बुलाए पे सारी व्यवस्था इनका काम है। हमारा भविष्य तय करना हमारे बस में होती है। इन्होंने हमें एक स्कूल दिया है, अब हम पढ़ाई कितनी अच्छी कर सकते हैं, हम परीक्षा कितनी अच्छी दे सकते हैं, और इस परीक्षा का रिजल्ट जब हॉल में जाएगा तो दुनिया हमें किस लेवल पे देखना चाहती है, हमें आईपीएस समझ रही है कि हमें जोकर समझ रही है या हमें नौकर समझ रही है, ये रिजल्ट हमारा हॉल बताएगा। तो ये गार्जियन है, संवारने का काम कर रहा है, लेकिन हम जब परीक्षा देने आए और पढ़ाई करने आए तो हमें कुशल से पढ़ना चाहिए। बीना जी, आप अस्की में खिसाड़ी जी की माँ, फिर ऐसा गेटअप देख के लग रहा है कि फिर से आप बोल रहा था बोल में खिसाड़ी जी की माँ, तो आपने क्या लाइसेंस ले रखा है माँ बनने का? हाँ, प्राउडली प्राउडली मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। जितने अच्छे एक्टर्स हैं और मुझे वो बुलाते हैं सम्मान के साथ, और अगर आप बोल रहे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ खेसारी जी के साथ नहीं रिपीट कर रही, मैं द स्टाइल सिनेमा पराग पाटिल के साथ अपना सेकंड फिल्म कर रही हूँ, और दैट इज़ मोर प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि सर ने आशिकी में ट्रस्ट किया, जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। जब मैंने आशिकी खुद मैं हॉल में गई थी, पहले मैं ये बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में गई थी भोजपुरी फिल्म देखने के लिए, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी भाभी, मेरे जीजा जी, सब लोग गए थे। और आशिकी एक वो फिल्म है जो मैं अपनी बेटी को दिखा सकती हूँ, तो वो आशिकी बनाया है इन्होंने। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जो हमारा सीन होता था हमें नहीं पता था कहाँ पे क्या शॉट हो रहा नहीं हो रहा। जब मैंने वो पर्दे में देखी तो मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे ऐसा दिखाया है वहाँ पे। सो लाइक मुझे मौका मिल गया, सो थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। और ये तो है ही मेरा बच्चा, मैं तो इनको बोलते रहता हूँ कि बताइए, इतना बड़ा इतना दिल लगाया किसी और ने गोद में, किसी और के खेल रहा हूँ। ये सिस्टर है, सिस्टर कुछ बोलेंगे पूछ लीजिए भाई। बोल रहा था बोल में आप कैरेक्टर कर रही हैं कि सारे जी सुपरस्टार, ये सुभद्रा का कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ खेसारी जी के साथ मूवी करने, मतलब फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ। ये ट्रेंडिंग स्टार हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विजय भैया, सवाल आपके साथ, खेसारी जी को लेकर आप बोल राधा बोल ही क्यों, तो ये सवाल इंडस्ट्री में गूंज रहे कि आपने खेसारी लाल यादव के ऊपर ही दाव क्यों रखा, और भी स्टार हैं। सही बताओ कि जब लोगों को ये लग रहा है कि जब खेसारी की पैसा लग रही है तो ये दाव कहाँ से लगा रहा है, जब खेसारी की पैसा तो दाव इनका कहाँ लग रहा है, खेसारी जी गीत सब तो दाव मैं कहाँ लग रहा है। हमारे बस में आज है जो मेरे साथ मेरा इंदर ड्राइवर के रूप में जरूर रहता है, लेकिन मेरे भाई की तरह है। मैं आज चाहूँ तो वो भी मेरे लिए प्रोड्यूसर बन सकता है, और हमें लोगों को बढ़ाना चाहिए अगर आपके अंदर क्षमता है तो। क्योंकि देखिए, बिजनेस की कोई जात नहीं होती, मैं बताता हूँ, और कोई धर्म नहीं होता, और वो छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। इन्होंने बिजनेस करके दुनिया को दिया है, अगर ये अपने लिए आज बिजनेस करना चाहते हैं तो ये लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को नहीं होना चाहिए, लोगों को ये लग रहा है यार प्रोड्यूसर कैसे बन गया, नहीं ऐसा मत सोचिए आप। हर आदमी को बड़ा होने का हक है, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि सबको बढ़ाइए, जितने भी हमारे हीरो हैं जो छोटे लेवल के, जिस दिन मैं चाहूं कि आप प्रोड्यूसर बन जाओ राम, आप भी बन पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि कॉरपोरेशन जो पेमेंट हमें, ऐसा नहीं कि इस फिल्म से मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट थोड़ा सा लेट ले लूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा लेट कर दूंगा तो कम से कम 5-10 लाख रुपया इनका भी बच जाएगा कहीं से, भाई सूधे पर पैसा लेके बनाएंगे अपना, तो ना हमारे पास उतनी संपत्ति है ना इनके पास है, तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट अगर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और लोगों को ये बात समझना चाहिए, कुछ लोग तो है जी इनका छोटा सा क्लिप डाल के फेसबुक पर वायरल करते हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, हाँ कर रहे हैं कदन, अब इन्होंने मुझे बताया, मैं तो इसमें भी फेसबुक नहीं चलाता क्योंकि फेसबुक पर अच्छी चीजें बहुत कम ही आती है। और वो डायरेक्टर बोल रहा है जब उसके पास काम नहीं था तो दो दो बार मैं काम दिलवाया, ठीक है वो आपका कर्म है कि आपका कर्म है, आपका कर्म है भैया, आपने अच्छा ही किया है ना, जीवन में हमेशा आप अच्छा कर जाइए, अपने आप को साबित कर जाइए,
और सबको देखिए दुनिया खाली है ना, अगर मैं किसी के साथ काम नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं उसको बद्दुआ देता हूँ कि वो घर बैठ जाए, नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग उसके साथ काम करें, सबके साथ वो भी करे, सब लोग हैं भाई यहाँ, हर एक दूसरे का कोई किसी के लिए बैठता नहीं है और बैठना भी नहीं चाहिए। आपके पास भी रोजी रोटी है, हमारे पास भी है, हम अपने लेवल पे किसी के रोजी बढ़ने से और किसी के ज़्यादा सिनेमा होने से मेरा सिनेमा कम नहीं होता, और कि अगर दो पैसा ज़्यादा कमा लेंगे तो क्या हमारा कम हो जाएगा जी, नहीं, हम जितना कमाते हैं उतना ही कमाएंगे, जितना वर्क करते हैं उतना ही करेंगे, हाँ जो जितना करता है उतना पाता है, और मेरे सिद्धांत में यही है, इसीलिए मैं 24 घंटा मेहनत करता हूँ कि मुझे अभी सोना नहीं है, क्योंकि मैं सो जाऊँगा तो ये दुनिया मेरे लिए क्यों जगेगी, इसीलिए मैं इनके लिए जगता हूँ, इसीलिए हमारी जनता मेरे लिए 24 घंटा जगती है। आगे बोलिए, कुछ नहीं होता तो नहीं उठती। अच्छा ढेला कहाँ चले ला, कौन आम पो पीपर पो नैनो फर होता है, कम से कम आज उस पत्थर मारने के हकदार तो हो गए, कोई इन पे उंगली तो उठा रहा है ना, ये कम थोड़ी है जी कि आज उस लायक हो गए, बड़े बड़े हस्तियां आज उनको उस लायक बना दी। एक चीज कहना चाहूंगा मैं रामचंद्र जी कि मैं 94 का प्रोड्यूसर हूं, कुणाल सिंह को लेकर बना चुका हूं, पहली बार जान लीजिए आप, सोलो प्रोड्यूसर 95 में जब भोजपुरी के बुरे दिन थे 94 में तो मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ और सुपरहिट फिल्म दिया था 2801 वीक हाउसफुल कामरान सिनेमा चला था पिक्चर बॉम्बे में, पहली फिल्म थी जो सेल मैंने किया था, मार्केटिंग का काम वहाँ से है मेरा, पहली भोजपुरी फिल्म मैंने बॉम्बे में बेचा था 95 में, उस समय 1,00,000 में बॉम्बे का राइट मैंने उमाकांत सिंह को दिया था, विदाउट प्रिंट विदाउट पोस्टर, छोड़िए ये सब बोलने की जरूरत तो ही नहीं। उसके बाद समय आया, उतार चढ़ाव मेरे जीवन में रहा, संघर्षपूर्ण रहा, कभी अच्छे दिन रहे, मेरे बुरे दिन भी बहुत आए, बुरे दिनों में मैं प्रोडक्शन भी किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी बंगाल में बहुत पिक्चरें किया, फिर मार्केटिंग वाला काम आया, तो मैंने 4 कदम पीछे हट के काम किया मेहनत का, लेकिन ईमानदारी से किया, चोरी नहीं किया किसी से, मेरे नाम पे विजय यादव छोड़ के विजया कहने वाला 25 वर्ष इंडस्ट्री में कोई नहीं है, और कोई कहेगा तो दुश्मनी बस कहेगा, ऐसा काम हमें नहीं किया, और हमने हर हीरो की मदद किया है, जो भी नया स्टार राकेश मिश्रा हो, रितेश पांडे हो, पूछो जाके आप उनसे, प्रमोद हो, जब 2,00,000 की उनके औकात थी तो 15,00,000 से 20,00,000 विजय यादव किया मार्केटिंग के बल, कल्लू हो, कितने तमा, और मैं हमेशा नए लड़कों की मदद किया हूँ, जो भी आया है, जो हमसे बन पड़ता है, प्रोड्यूसर को कमवाया हूँ, मदद किया हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन करवाता हूँ, तरीके ये जो भी कहानी दुनिया जो हमसे बन पड़ा हमने किया है मार्केटिंग काम, उसको ब्रोकर कह रहा है कोई तो कहने दो, हाँ मैं ब्रोकर हूँ, उसकी रोटी खाता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं ब्रोकर हूँ, लेकिन स्टार ब्रोकर हूँ ये भी बता रहा हूँ, स्टार मेकर भी, और स्टार मेकर हम तो नहीं, आप लोग बना रहे हैं, वो समय ईश्वर बताएंगे, समाज के लिए मैं भोजपुरी समाज के लिए, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग बना रहे हैं, सीरियल नहीं बना रहे, ये तो सिनेमा और यहाँ से कमा बना रहे, यहाँ से जो भी 2 रुपया कमाए 4 रुपया सबका सहयोग, न ये मेरे से पैसा लिए हैं, न ये मेरे से पैसा लिए हैं, न ये कोई एक आदमी मेरे से नहीं पैसा लिया, तो सबका सहयोग है, अब क्यों सहयोग कर रहा है, ईश्वर की कृपा है, मैंने तो कहा था पोस्ट पे कि जदुबंश शिरोमणि हमारे खेसारी जी ने कृष्ण के रूप में भूमिका में आकर मेरी हेल्प किया है, किया है ना, पहले बाद में भाई आप बना लो बाद में पैसा देना, हो गया मेरा हेल्प, तो हेल्प है, अब बिना 3 माले की बिल्डिंग पर आप सीढ़ी से चढ़ेंगे, 20 माले की बिल्डिंग पर लिफ्ट चाहिए, बिना सहारा का कोई चढ़ नहीं सकता, हमें भी सहारे की जरूरत है, हम भी किसी का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का एक परिवार, किसी ने हमसे पैसा का डिमांड नहीं किया, ये है सहयोग, ये मेरी मेहनत है, और मैं बना रहा हूँ, बोल रहा था बोल मुझे अच्छा लगा, मैं पहले आदमी को अपना शरीर की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने जात की, इस धर्म अगर अपने जात की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, तो मैं कृष्ण मेरे हम लोग के शिरोमणि हैं, आदर्श हैं, राधा माता हैं, राधे राधे दुनिया की माता हैं, तो हमने बोला कि इससे बड़ा अच्छा नाम कुछ मुझे अच्छा लगा, और ये कृष्ण है ही,
तो बोल रहा है बोले मत कर फिर भी बात होगा भाई होने दीजिए हेलो हेलो बात सरस सुने मैं जवाब दे रहा हूँ सुने कृष्ण का नाता विवादों से भरा रहा है चाहे वो कृष्ण हो चाहे ये कृष्ण हो अगर विवाद नहीं है संघर्ष नहीं तो जीवन कहाँ पे हीरो कहाँ होता है नहीं देखिए विवाद बात ऐसी है ना कि जीवन में विवाद उसी के साथ होता है जो गाड़ी रफ्तार में होती है एक्सीडेंट उसी वही को वो धक्का वही मार सकती है अच्छी बात नहीं जोन गड़िया खड़ा हो गई है घर वाला ओकरा ओकरा में तो टेम्पो ना सटी गलत बोल रहे हैं जी जो गाड़ी रोड पे चलती है ना भाई खरोच उसी में लगता है और दुनिया उसी को देखती है और अगर वो तेज है वो तेज है तो कहीं ना कहीं वो लड़ते पड़ते जाएगा तो मैं क्या करता हूँ कि उस गाड़ी को थोड़ा सा लड़ भी जाता है तो सर्विसिंग करा के फिर ठीक कर लेता हूँ जीवन की गाड़ी है ना तो जो गाड़ी रोड पे होगी लोग कहते हैं कि हम विवाद में नहीं रहते हम ये नहीं रहते भाई आपको रखता कौन है जब रहिएगा भाई मुर्दा विवाद में नहीं होता है जिंदा देखिए लोग कहते हैं कि गुस्सा आता है खेसारी आपको मैं जिंदा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आता है जिस दिन मर जाऊंगा शायद ये गुस्सा नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास है मेरे अंदर अपना सम्मान है कोई मुझे कुछ बोल के चला जाए ये भी मैं नहीं इतना भी मैं अच्छा नहीं हूं कि मुझे कोई कुछ बोल के चला जाएगा और मैं बर्दाश्त करते रहूं क्यों करूं भाई अगर तुम्हारा योगदान मेरे जीवन में है तो तुम मुझे कुछ भी बोल दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा मेरे माँ बाप तो मेरे मुझे थप्पड़ तक मार देते हैं बर्दाश्त करता हूं क्योंकि उन्होंने पैदा किया है पब्लिक हमें गाली भी दे देती है हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है लेकिन कोई कुछ ऐसे लोग कुछ कर जाते हैं जो वहां पे बोलना पड़ता है तो मैं भाई देखिए गुस्सा आने लाजमी है क्योंकि जिंदा हूं अभी जान है इसलिए जिंदा हूँ रोड पे चलता हूँ इसलिए कभी कभी खरोच आती है संघर्ष किए तो इनको लिट्टी चोखा मिला संघर्ष किए मेहनत किए तो लिट्टी चोखा खाने के लिए मिला और उसके बाद जब पेट में अनाज गई तो आज की आई जब पेट में आने ना रही तो मोहब्बत समझ में आई अब ये पूछ रहे हैं कि बोल राधा बोल अब क्या अब राधा को अब राधा की इच्छा देखिए आशिकी आशिक हो गए मोहब्बत तो हो गई अब ये राधा से बोल रहे हैं कि तेरे लिए क्या कर दूं बता राधा अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा मुझको फिल्म बनाने का उत्प्रेरित करने वाला यही आदमी नहीं भैया आप प्रोड्यूसर बनो आपको हक है चार महीना खोदते तो बनाते हैं नहीं नहीं यार मार्केटिंग करने तो कर लोग कहेंगे कि निर्माता बन गया फिर काम गड़बड़ाएगा मैंने क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूसर के पास इनका भी नौकरी चला जाए कुछ प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे नहीं सबसे बड़ा विलन तो पराग है यार कि इसी ने आदमी इस आदमी को देखा रहे थे मार्केटिंग कर रहे थे कहां पे मतलब हम लोगों को कंपटीटर बना दिया तो भाई पराग ने और खेसारी लाल ने एक मार्केटिंग करने वाले आदमी को मालिक बनाया तो आप इस काबिल हो तो बना और ये भी इस काबिल है कि नहीं भैया करिए हम एक रुपया ये बोले नहीं लिए हैं ये भी डायरेक्टर होकर मेहनत तो ये सबका सहयोग से ही आदमी भैया बताओ आपसे भगवान पे चढ़ने वाला फूल वैष्णो देवी के मंदिर से नहीं आता है वो किसी खेत से ही आता है वो किसी बगान से ही आता है और वो जमीन पे रहता है तो जीवन में भगवान को भी उस जमीन की जरूरत होती है खेसारी को दुनिया भगवान मान ले या खेसारी को बहुत बड़ा स्टार मान ले लेकिन बनाने वाले वो जमीन के लोग ही हैं इस पे चढ़ने वाला श्रद्धा का फूल या मोहब्बत की फूल उस जमीन से ही आती है चाहे मैं अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना बोल दूं कि आई एम किंग आई एम वी आई एम हा हा दुनिया जहान फालतू कुछ ये सब कहने की बातें हैं जमीन के ही लोग आपको बड़ा बनाते हैं इसीलिए अगर उस जमीन कभी जरूरत पड़े उस जमीन के लोगों के लिए तो आप खड़े हो जाइए यही तो इंसानियत है इससे बड़ा इंसानियत क्या है नहीं तो एक मराठी आदमी होकर आज भोजपुरी का सबसे बड़ा डायरेक्टर है ये इन्होंने जितनी फिल्में मेरे साथ की अभी तक मुझे लगता है कि 3 साल से इनसे ज्यादा कोई सिनेमा नहीं चली नहीं। एक बिल्कुल सभी और सारे सिनेमा स्टाइल अलग कहानी अलग किया है ये लगातार 3 सुपरहिट हाँ 3 किया और 3 साल से कभी नोटबंदी है तो कभी कोरोना है तो कभी कई गो लहर लहर चल रहा है चौथी के बारे में क्या कहना चाहेंगे चौथी के बारे में तो अभी देखिए बोल राधा बोल अब इसके बाद ताजमहल बनाएंगे डायरेक्ट राधा ने बोला कि ताजमहल बना दे भाई तो बनाएंगे ताजमहल बोल राधा बोल के लिए इतना ही कहूंगा कि दर्शकों ने खेसारी जी के और मेरे जोड़ी को हमेशा से पसंद किया वो संघर्ष हो लिट्टी चोखा हो आशिकी हो आशिकी एक मील का पत्थर फिल्म बन चुकी है इंसानों से तो बहुत प्यार किया मैंने इस बार बकरी से प्यार कर रहा हूँ अब बोल राधा बोल
आपको पिछली फिल्म मेरी और बेहतर और बड़ी कैसे करना अभी अभी तक तो इंसानों से मोहब्बत थी ना इंसान को इंसान इंसान की मोहब्बत को और भाषा को समझता है लेकिन बकरी भाषा को नहीं समझती और उसको अपने प्यार में पागल कैसे करता हूँ ये बोल राधा बोल है जानवरों को भी हम इतनी जानवरों से प्रेम करता हूँ तो बहुत सारे हीरोइन नाराज हो गई थी उनको तो हम हमसे प्यार ही नहीं है प्यार ही नहीं मैंने और जितने हीरोइन है सब डॉगी रखी है डॉगी से प्यार है इनको और मुझे अगर बकरी से प्यार हो गया तो पता नहीं क्यों इतराजे भाई क्यों इतराजे मुझे अच्छा इनको डॉगी से प्यार है माँ को शैम्पू नहीं देती है धोने के लिए उसको डॉगी को धिलवाएंगी ये मेरा टीहू है तो मेरा पीहू है तो दीहू है नाम ऐसा ऐसा रखेंगे फालतू के मतलब के मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन देखिए जानवर भी हमारे जीवन के हिस्सा है हमें सबसे प्यार करना चाहिए वो जानवर हो या इंसान यही तो दो चीज है यही दो चीज है तो सबको प्लीज डोंट माइंड आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा क्या करो रोड पे चलता हूँ कहीं ना कहीं खुरच लग ही जाता है देखिए बोल राधा बोल एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है एक नास्तिक इंसान है केसारी लाल यादव जो बिल्कुल पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है तो एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है बोल राधा बस यही हम कभी कभी आस्था को भूल जाते हैं कि हमारे लिए आस्था मायने नहीं रखता लेकिन जब मजबूरी होती है ना तो मुझे लगता है कि कोई इंसान को नहीं उस आस्था को ही याद करता है यही हमारी बोल राधा बोल है यही हमारा प्रेम है एक प्रेम की परिकाष्ठा है कि जो आदमी अपने मंदिर जाना पसंद नहीं करता है वो एक दिन सिचुएशन आता है कि उस मंदिर के दरवाजे पे झाड़ू तक लगाता है यही हमारी प्रेम कथा है यही हमारी बोल राधा बोल है भैया आपके लुक की बात की जाए पराग जी हमेशा आपके हर फिल्मों में लुक चेंज कर देते हैं तो ये आप में अलग अलग लुक चौथी में भी अलग लुक है क्या इसमें आपको तो मुझे तो डर इस बात का है कि साहब लुक चेंज कर रहे हैं कहीं मुझे ना चेंज कर रहे डर तो हमें इस बात की है कि इनके भी जीवन में क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लुक चेंज किए हैं अब यही एक बचे हैं देखिए ये कब चेंज करते हैं नहीं कहने का मतलब यही है कि संघर्ष हो लिट्टी चोखा हो आशिकी हो मैंने हमेशा अपने फिल्म क्या सीरीज है लेकिन हाँ क्या सीरीज है संघर्ष किया तो इंसान को लिट्टी चोखा मिला और जब पेट में अनाज गया तो आस्की आई आस्की के बाद अब उसकी ख्वाहिश पूछ रहे हैं बोल रहा था बोल क्या बना दूं तेरे लिए तो इसमें भी आप केसारी जी को एक अलग लुक में देखेंगे अभी जो केसारी जी आपके सामने नजर आ रहे हैं ये इनका लुक नहीं है बोल राधा बोल का काम भी करना है बोल राधा बोल प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर को समझ में नहीं पहली बार बने हैं ना ये इसीलिए अभी हम लोग काम करते हैं आप प्लीज काम करने दो जो आस्की को लेकर जो अभी तक सिनेमा घर में नहीं देखे हैं देखिए मैं चाहता हूँ कि जातिवाद का जहाँ तक सवाल है हमारे बिहार रूपी में थोड़ा सा ज्यादा है तो एक बार आस्की देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारी जाति हमारा विचारधारा ही होना चाहिए और हमारी विचारधारा में जाति होती है मुझे लगता है कि इंसान की कोई जात नहीं होती है जात तो अढ़ाई होते हैं एक मर्द एक औरत और एक हमारे जो बीच के होते हैं हमारे किन्नर समाज के लोग तो जात तो अढ़ाई ही है हम आपस में बांट लेते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है और मोहब्बत की कोई जात नहीं होती है और शिक्षा की कोई जात नहीं होती है और इसी शिक्षा और मोहब्बत से अच्छा ये बताइए जब हम इलाज कराने जाते हैं तो ये कभी पूछ के नहीं जाते हैं कि किस जाति का ये हॉस्पिटल है और किस जाति का वो डॉक्टर है हमारे लिए इलाज जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस पंडित से ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के इंसान हो जो हमें प्रसाद दे रहे हो तो हमें कहने का मतलब कि आप अपने दुनिया को भाषा से मत बदलिए उसको अपने भाषा में ला दीजिए मीठा भाषा में ला दीजिए मुझे लगता है कि हर आदमी आपका अपना है और हर लोग सक्रिय हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा आशिकी में और आशिकी में जो कमाल का काम जो कमाल का एक्ट हमारी अमरपाली जी ने किया है माइंड ब्लोइंग मैं हमेशा उनको सर्वोपरि मानता हूँ मानता रहूँगा क्योंकि जब भी उनके साथ काम करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करके हम लोग काम करते हैं और वो चीज़ों को समझती भी वो मुझे भी बताती हैं जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आते हैं हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं और मज़ा आता है और उस सिनेमा के करके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो रियल बेस पे कहानी है और मैं सबको चाहूंगा कि एक बार उस माँ बाप को भी वास्की देखनी चाहिए और उस बच्चों को भी वास्की देखनी चाहिए कि हमें डिफरेंस हमारे लिए माँ बाप कितना सक्रिय हैं और हम चाहें तो माँ बाप के मन को भी बदल सकते हैं बशर्ते वो नफरत से नहीं उसके लिए मोहब्बत की जरूरत होगी थैंक यू सो मच प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप
and never miss another update.